जय श्री राम प्रिय भक्तों, अभी भी सुधर जाओ। दर दर की ठोकने खाना बंद करो। यदि अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महाविनाश है महाविनाश। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। ये केनो उपनिषद में लिखा हुआ है। इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता से नहीं लग जाता वह बहुत बड़ी भूल करता है। इसलिए श्रुति कहती है कि जब तक यह देव दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, ध्यान दीजिए, यह जो हमें शरीर मिला है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि हमें भी ये दुर्लभ मनुष्य तन दे दीजिए ताकि हम अपना कल्याण कर सकें, क्योंकि जो कल्याण हम कर सकते हैं मनुष्य दे पाकर वो अन्य किसी योनि में संभव नहीं। इसलिए जब तक हम मानव शरीर विद्यमान है तभी तक जल्द से जल्द परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। इसी में बुद्धिमानी है। यदि अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महाविनाश है। ऐसा विचार कर विवेकी जन प्रत्येक प्राणी में व्यापक उस परमात्मा को जान व समझ लेते हैं और शरीर त्याग के बाद उसी परमात्मा को प्राप्त कर अमर हो जाते हैं। शंकराचार्य जी का कथन है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मानव, बार बार जन्म लेने और फिर मरने का दुसह दुख भोगना, फिर बार बार माँ की जठराग्नि में उल्टे लटकना, विचार करो कितना भीषण कष्ट है। सारा संसार तो काल का क्रीड़ा स्थल है जो चुन चुन कर प्रत्येक प्राणी का संहार कर रहा है। सभी काल के महागाल में समाते जा रहे हैं, तू भी एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। संसार का वैभव, भौतिक धन संपत्ता, ये कुछ भी मरने के बाद तेरे काम नहीं आएगा। सांसारिक वस्तुएं संसार में ही छूट जाएंगी। एकमात्र ईश्वर के भजन व भक्ति नाम जप की कमाई ही तेरे काम आएगी। नाम धन ही इस लोक और परलोक में तेरे साथ रहेगा। इसलिए अभी भी समय है, तू नाम की कमाई कर, क्योंकि नाम धन ही सच्चा धन है। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इधर उधर भटकना बंद करो। जो कुछ भी मिलेगा वो केवल नाम से ही मिलेगा। तो नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए, यही असली धन है और यही आपको कलयुग में से छुटकारा दिलाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा और ये आपके प्रलोक में भी साथ जाएगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।